मेरा जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पिनाइल इम्प्लांट्स पे, तो आज हम बात करेंगे कि ये पिनाइल इम्प्लांट कैसे फंक्शन करते हैं। पहले हम बात करते हैं मेलिएबल या सिंगल पीस पिनाइल इम्प्लांट की। ये एक मेलिएबल या सिंगल पीस पिनाइल इम्प्लांट है जो कि सिलिकॉन का बना हुआ है। मिशन तैयार की है पिनाइल इम्प्लांट की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सिंपल मेलिएबल इम्प्लांट्स किस तरह बॉडी में प्लेस किए जाते हैं और ये किस तरह इनकी फंक्शनिंग होती है। ये एक फ्लैसिड पीनस है जिसको इरेक्शन बिल्कुल नहीं होती। ये जो येलो कलर की इसमें ट्यूब है, ये पेशाब की नाली है, यहाँ से पेशाब की। और ये जो ऊपर व्हाइट कलर की नजर आ रही है, ये जिल्द है। ये जो स्क्रोटम है यानी कि जो थैली जिसमें टेस्टिस होते हैं, ये दो टेस्टिस पड़े हुए हैं। और ये बेली बटन है पेशेंट का, और ये जो है मसाने वाली जगह, इस जगह पे मसाना। अच्छा, अब इम्प्लांट इसमें एक छोटा सा चीरा देके इंसिजन लगाया जाता है 2 से 3 सेंटीमीटर का इस जगह पे, और इसमें पीनस के अंदर इम्प्लांट डाल दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं ये इम्प्लांट अंदर कैसे फिट होते हैं और पीनस उसके बाद कैसे जो है नजर आता है। ये इस तरह एक इम्प्लांट डाल दिया जाता है पेशाब की नाली के एक साइड पे। ये दो होती है, एक पेयर होता है दोनों, क्योंकि वो दूसरा इम्प्लांट जो है पेशाब की नाली के दूसरी साइड पे डाल दिया जाता है। इस तरह दो इम्प्लांट फिट हो जाते हैं पेशाब की नाली के साइड पे। ये पेशाब की नाली है, ये पीनस है जिसको इरेक्शन बिल्कुल नहीं आती थी। इम्प्लांट डलने से इरेक्ट हो गया, और इसकी इरेक्शन और हार्डनेस इतनी होती है कि आराम से एक इंसान इंटरकोर्स कर सकता है और ये बिल्कुल बेंड नहीं होता अगर सामने से इसको प्रेस किया जाए, और सेटिस्फेक्टरी इंटरकोर्स हो जाता है। इसमें आपने देखा हमने जिद बिल्कुल वही है, इसलिए जो नजर है बिल्कुल इसे तब्दील नहीं होती। पेशाब की नाली अपनी जगह पे रहती है, बाहर कोई चीज नजर नहीं आ रही, और इजीली एक शख्स सेक्स परफॉर्म कर सकता है। और जब इम्प्लांट यूज में नहीं है, रिलैक्सिंग फेज में है, फ्लैसिड करना है, बिठाना है पीनस को जो नॉर्मल एक नेचुरल फॉर्म है, तो इन इम्प्लांट को मेलिएबल को यूं करके नीचे को बेंड कर दिया जाता है। बेंड करने से ये इनका टिल्ट नीचे को हो जाता है, और इनकी थोड़े से ये विजिबल तो होते हैं, लेकिन इसके साथ या तो अंडरवियर पहनना पड़ता है ताकि अंदर प्रेस हो जाए, या फिर खुले कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि ये नजर ना आ सके। तो इस तरह ये जो सिंगल पीस या मेलिएबल पिनाइल इम्प्लांट है, ये इस तरह अपना फंक्शन करता है, और ये बिल्कुल नेचुरल की तरह ही काम करता है। अगर दोबारा हमने सेक्स या इंटरकोर्स परफॉर्म करना है, तो इसको सीधा करके करें, करने से दोबारा इरेक्शन फुल हो जाएगी और पेशेंट आराम से सेटिस्फेक्टरी इंटरकोर्स कर सकता है। अगर कोई शख्स जिसको इरेक्शन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और मेडिसिन और दवाइयां असर नहीं करती, तो उसके लिए पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी एक बेस्ट सोल्यूशन है जिसकी लाइफ लॉन्ग तकरीबन गारंटी होती है, और इससे वो सेटिस्फेक्ट्री लाइफ गुजार सकते।